सो हेलो दोस्तों, आ गए एक नए वीडियो में। और आज का वीडियो है हमारा एम्पलीफायर कूलिंग फ़ैन, जो कि ये सामने आपको दिख रहे हैं। और बहुत अच्छी क्वालिटी में हम आपके लिए कूलिंग फ़ैन लेकर के आए हैं। और इसमें आपको 12 वोल्ट के कूलिंग फ़ैन मिल जाएंगे, और जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी में है। ये हमारे नॉर्मल स्पीड में है, ये वाला भी नॉर्मल स्पीड में, ये हमारे हाई स्पीड में। इससे आपको इतनी स्पीड है, अगर आपके टेबल पर अगर धूल जो डस्ट जमी है वो भी इससे साफ़ कर सकते हो, इतनी हाई फाई स्पीड है इनकी। और बहुत अच्छी क्वालिटी में 12 वोल्ट पे चलने वाला कूलिंग फैन है हमारा। ज़्यादा कोई एम्पियर नहीं लेता, और ज़्यादा कोई इतना बड़ा मतलब बैटरी, इसमें बैटरी या लगाने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल ट्रांसफार्मर से इसको चला सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब ओरिजिनल फ़ैन है, ये मशीनों से निकले हुए फ़ैन है। तो चलिए इनकी हम क्वालिटी आपको दिखाते हैं कुछ। तो ये हम कूलिंग फैन उठा लेते हैं, तो ये देखिएगा ओल्ड आपको दिख रहा होगा, हल्का सा मेड इन चाइना लिखा हुआ है, लेकिन है बहुत अच्छी क्वालिटी का। यहाँ पर देखिएगा इसकी क्वालिटी, देखिए इसमें आप एम्पलीफायर में लगा सकते हैं। हमारी जो एम्पलीफायर छोटी छोटी एम्पलीफायर होती हैं पतली पतली वाली, उसमें भी लगा सकते हो। और अगर बड़ा बोर्ड है आपका तो ये हमारा एक कंफर्टेबल है एक एम्पलीफायर बोर्ड के लिए। ये वाला फ़ैन देखिएगा, ये आपको लग जाएगा 60 रुपये का ओनली, क्योंकि ये नॉर्मल स्पीड में और ये हाई स्पीड में। तो चलिए हम आपको इसकी टेस्टिंग दिखाते हैं एक 12 वोल्ट की बैटरी लेकर के। तो ये है मेरे पास 12 वोल्ट बैटरी, और जो कि एमपीएस की बैटरी है। तो चलिए ये वाला पहले चला कर दिखाते हैं, इसको देख के देखेंगे। तो ये देखिएगा इस पर, तो यहाँ पर ये देखिएगा ये चलने लगा है, और इतनी हाई स्पीड इसकी नहीं है, नॉर्मल स्पीड है। और इससे सिर्फ बोर्ड कूल तो होगा, लेकिन ये कभी बड़े बोर्ड आ जाते हैं तो उनके लिए बेकार है, कोई काम का नहीं है। छोटे बोर्ड है अगर आपका तो बहुत अच्छा काम करता है ये, और बहुत अच्छी स्पीड है, कूल भी करेगा काफ़ी। लेकिन जी कहो कि बड़ा बोर्ड हो जाए तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें इतनी स्पीड नहीं है। तो चलिए अब हम छोटा कोई फ़ैन टेस्ट करेंगे। तो ये वाला जो फ़ैन है इसके तार छोटे हैं, बड़े तार वाले ले लेते कोई हम। तो ये मेरे पास एक देखिएगा 12 वोल्ट का है डीसी। तो चलिए इसको चला कर दिखाएंगे, इसकी क्वालिटी देखेंगे। ये देखिएगा एकदम झटका मार रहा बहुत तेज़ी से। ये देखिएगा इसकी क्वालिटी देखिए ज़रा, बहुत अच्छी क्वालिटी में ये फ़ैन हमारा है, और बहुत अच्छी क्वालिटी इसकी देखिएगा। इसकी स्पीड दे रहा है, स्पीड देखिए कितनी हाई क्वालिटी स्पीड है इसकी। इसकी जो पंखुड़ी है देखिए कितनी स्पीड घूम रही हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी में, आपको कैसे बताएं कि क्या क्वालिटी है इसकी। चलिए हम यहाँ पर एक ये कपड़ा डाल देते हैं, ये छोटा सा कपड़ा है जो कि नॉर्मल कपड़ा, ये देखना ये उड़ जाएगा, इतनी स्पीड निकालता है ये। पहले तो हम ये वाला स्पीड दिखाएंगे आपको, इस वाले फ़ैन की स्पीड देखेंगे, इससे क्या उड़ता है ये या नहीं उड़ता है ये। तो ये वाला देखिए चलने लगा है, ये देखिए इतना उड़ रहा है हल्का सा, ज़्यादा हाई नहीं उड़ रहा, पास भी ले जा रहा तब भी नहीं उड़ रहा है, इतना ही उड़ पा रहा है। तो चलिए अब हम हाई, इसमें इतनी स्पीड है कि आप टेबल पर ही दूर को जो डस्ट होती है हमारी उसको साफ कर सकते हैं इससे। ये देखिएगा, ये देखिए उड़ गया है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, इसमें आपको अगर पंखुड़ी में अगर आपकी उंगली लग गई तो चोट भी लग जाती है। ये देखिए मेरे सुबह लग चुकी है, मैं इसको टेस्ट कर रहा था, मेरी उंगली लग गई इसमें, तो ये नोक जो थी ना मेरी उंगली में घुस गई, चोट भी लग गई बहुत। तो इसलिए इसको आपको बिल्कुल सही तरीके से कसना है, क्योंकि नेक से बहकने में चोट लग जाती है, और दूसरा मैं देखता हूँ अभी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर कोई दूसरा फ़ैन लगा कर टेस्ट करेंगे इसका, देखेंगे इसकी क्वालिटी इसकी। तो यहाँ पर इसके किसी तार नहीं कटे, ये तार कटे हुए हैं, ये लगा के देखेंगे ये किसकी क्वालिटी कैसी है। लोगों लिए नॉलेजेबल था। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
ये हम सब वीडियो आप ही के लिए लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए बाय बाय।